से हाय गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल गुड इवनिंग गाइस शाम का टाइम है दोस्तों और अभी दो से चार दिन पहले नहीं पाँच से दस दिन पहले नहीं पूरे ग्यारह दिन पहले ग्यारह हो गया है कुछ भी मेरे फास्ट टैग का मेरे साथ एक स्कैम हो गया है क्या है स्कैम हुआ है गाइस अपने फास्ट टैग आपने नाम सुना होगा फास्ट टैग फास्ट टैग फास्ट टैग हर टोल पे जाओ फास्ट टैग फास्ट टैग फास्ट टैग ये फास्ट टैग इतना फास्ट हो चुका है कि गाइस आपकी गाड़ी घर पे भी खड़ी हो ना तो भी है जो उसमें से पैसे कट जाते हैं तो गाइज ऐसे कुछ स्कैम्स तकड़े हैं इस स्कैम्स इस, इस हैं जो चल रहे हैं ख़तरनाक फास्ट टैग के बारे में तो गाइज फास्ट टैग एक तरह से अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी मतलब कुछ प्रॉन्स हैं और कुछ कॉन्स भी हैं तो एडवांटेज भी होते हैं कुछ चीज़ के और कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं तो गाइज़ आज हम साथ जो स्कैम हुआ वो हुआ है पूरा तीस जून को और उसको पूरे आज हो गए ग्यारह दिन और वो स्कैम क्या था कि भाई मेरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी मनोहरपुर वो फास्ट टैग यहाँ पर रखा था साइड में उसके बाद में रात को 30 जून को मेरे पास 11 बजे मैसेज आता है कि गाइज़ आपका जो गाइज क्या आपका जो टोल है वो कट चुका है कहाँ पे रेनवाल जबकि मैं देखूँ भाई मेरी गाड़ी तो यहाँ पे खड़ी है और वहाँ पे टोल कैसे कट रहा है तो गाइज़ आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको जाना है जिस भी बैंक का आपका जो फास्टैग है वो आपको सर्च करना है गूगल पे जाके और उसके कस्टमर केयर नंबर पे जाकर आपको कॉन्टैक्ट करना है कॉन्टैक्ट करने के बाद में आपको कुछ प्रोसेस होगी वो करनी होगी कंप्लीट उसके बाद में आप उनसे बात करने के बाद में अपनी जो प्रॉब्लम है उनको बताकर और वो सॉल्व कर देंगे लेकिन करेंगे नहीं है जल्दी आपको वो देंगे पंद्रह दिन का टाइम पंद्रह दिन के अंदर आपका जो पैसा है अगर आप कस्टमर केयर वालों को बावड़ा बनाना चाहें कि भाई आपकी गाड़ी घर से चालान कट गया है जबकि आप जाके आए हैं तो गाइज़ आपका रिफंड बिल्कुल भी, भी नहीं होने वाला है लेकिन अगर आपकी गाड़ी सच के अंदर घर पे खड़ी थी और आपका जो फास्टैग में से बैलेंस है सौ डेढ़ सौ रुपये जितना भी टोल का कटता है तो या तो आप वहाँ पे जाके बात कर सकते हैं जहाँ से आपका टोल कटा है अगर आपके पास में तो लेकिन भाई अभी कोई जयपुर बैठा हो उसका कट जाए टोल दिल्ली तो वो दो किलोमीटर थोड़ी जाएगा भाई टोल वालों से बात करने के लिए तो भाई सीधी सी बात है आप सीधा कॉन्टैक्ट करो कस्टमर केयर के अंदर वहाँ पर आपको पंद्रह दिन का टाइम मिलेगा अगर आप सही होगे तो आपको वो जितना भी आपका टोल कटा है वो आपको रिटर्न मिलेगा मेरे को तो मिला नहीं है क्योंकि मेरे को ग्यारह दिन होगा क्योंकि वो तो ग्यारह लगे ग्यारहवा कर रहे हैं गाइस फिर तो चार दिन है, चार दिन बाद में मैं आपको दोबारा से अपडेट दूंगा अगर मेरे पैसे मेरे को वापस मिलते हैं तो गाइस तो ऐसे ही स्कैम्स बाई रेयर चांस से होते हैं हमेशा नहीं होते हैं बाकी छोटे मोटे स्कैम्स मतलब ऑटोमेटिक कटना वैसे होते रहते हैं लेकिन गाइज़ आपकी गाड़ी घर पर खड़ी है सबसे मेन बात तो ये ज़्यादा कट गए कम कट गए दो बार कट गए ये तो चलो वहीं पे होता है अपने फेस टू फेस मतलब अपने टोल पे हैं तो भाई उसने दो बार स्कैन कर लिया दो बार पैसे कट गए ये तो अपने फेस टू फेस चीज़ें होती है वो तो अपन लाइव के साथ लाइव प्रूफ के साथ वहीं भी देख सकते हैं लेकिन गाइज़ ये नया स्कैम है गाइज़ बिल्कुल इससे थोड़ा भाई आपको सावधान रहना पड़ेगा कि भाई ऐसे तो भाई क्या हो सकता है कोई आपकी दिक्कत भी हो सकती है जैसे आपकी गाड़ी घर पर खड़ी है और आपके फास्ट फास्टैग से पता नहीं कोई चोर वगैरह गुंडे कहीं लूट पाट के भाग रहे और आपका टोल वो कट रहा हो बढ़िया तो ऐसे गाइज आपको एक बार पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देना अगर ज़्यादा दिक्कत आती है तो वैसे एक एक बार आती है दो बार आती है और प्रॉब्लम सोल्व जाती है ना तो कोई दिक्कत नहीं तो गाइज अगर आपके साथ ये रेगुलर हो रहा है ना तो ये गलत बात है गाइज ये आपको सीधा पुलिस स्टेशन के अंदर अपनी जो बैठा के बुलवानी चाहिए इन्फॉर्म करना चाहिए आपको पुलिस वाला भाई मेरे साथ ये सीन हो रहा है मेरा जो गाड़ी है घर पे खड़ी रहती है और मेरा चार से पाँच बार रेगुलर है जो टोल कट चुका है तो गाइस आपके पास आपके साथ ऐसा होता है तो आप जाएं पुलिस के पास तो गाइस अब चार से पाँच दिन बाद में मैं एक बार फिर से उनको अगर मेरे पैसे रिफंड हो जाते तो ठीक है नहीं करूँगा और नहीं होते हैं तो गाइस उनको दोबारा मिलाऊंगा मैं फ़ोन और चार से पाँच दिन बाद में आपको दोबारा अपडेट देने के लिए इसी चैनल पर मिलूंगा अगर आप चैनल पर नहीं हो तो आई कर लो चैनल को सब्सक्राइब बाकी मैं मिलता हूँ किसी ऐसे ही न्यू ब्लॉग न्यू कॉन्डर साथ बाय हैं